जहाँ तक लाहौल में जब हम पहुँचते हैं तो यहाँ पर हमने एक साढ़ा बैरियर लगाया था, और यहाँ कोई बैरियर लगाया नहीं है। पर मौसम को देखते हुए हमने पुलिस वालों को ये बात कहा था कि अगर कोई बर्फ पड़ती है उस हालत में, क्या लाहौल में सारे गाड़ी लाहौल में प्रवेश हो पाएंगे, कर पाएंगे क्या? यहाँ पर पार्किंग का प्लेस है। हमने पिछले साल जो है जैसे सनू फेस्टिवल का आगाज़ किया, उसको देखते हुए हमने कहा था कि जो हमारा सिसु हेलीपैड है वहाँ पर अधिकतर गाड़ियाँ आती रोड पर खड़ी ना करें, वहाँ खड़ी ना कर सके हम लोग, उनको जो है पार्किंग के लिए जो हेलीपैड था वहाँ भेजा गया। इस बार कई लोगों ने राजनीति किया, बहुत से राजनीति करने का प्रयास किया कि जो हमने वहाँ बैरियर लगा दिया है, लाहौल के लोगों को आगे जाने नहीं दे रहे हैं। आज मैंने अधिकारियों को बुला के स्पष्ट कहा है जो हमारा हेलीपैड के पास जो बैरियर लगा, बैरियर नहीं है, वहाँ पर पुलिस के लोग खड़े होते हैं, क्योंकि वहाँ पास लाहौल में जब लोग आते हैं कोई प्रवेश के कोई वहाँ पर किसी का शनाखत होता नहीं है, कौन आगे जा रहा है लाहौल जा रहा है कौन नहीं जा रहा है। मौसम की हालत में क्या बाहर के लोग ऐसी गाड़ी लेके आते हैं जो बस में चल नहीं सकते, चला नहीं सकते लोग, और छोटी गाड़ियां हैं। हमने कहा है कि अब सुबह जो है 10 बजे से लेकर 3 बजे तक वहां पर जो शिशु हमारा हेलीपैड है वहां पुलिस के लोग खड़े होते थे, वहां कोई पुलिस के लोग खड़े नहीं होंगे। मौसम साफ हो जब इस मौसम साफ रहेगा, और एक शाखस नाला के पास हमने आगे जो है कमांडर नाला में वहां भी रेड लगाया था कि लोग जो है आए जो लदा के निकलते हैं फंस जाते हैं। हमने कहा था जब काका बारह लच्चा बंद हो चुका है वहां लोग न जाए, हमने बैरियर उठा दिया है। और आज से जो हमने फैसला कर दिया, कल से सुबह 10 बजे से लेकर 3 बजे जो है कुल्लू से मनाली जो भी टूरिस्ट आएगा वो लाहौल लाना चाहते हैं, टूरिज्म को बढ़ावा तब मिलेगा जब हम ये बैरियर बंद करेंगे। और यहाँ पर जो है काफी होम स्टे रजिस्ट्रेशन हो चुका है पिछले साल, और काफी होटल बन चुके हैं, काफी सुविधा यहाँ पर मिल रहा है। यहाँ का जियो के टावर, यहाँ पर जियो के मोबाइल टावर 38 टावर लग चुके हैं, एयरटेल के सिग्नल यहाँ पर आ चुका है, और यहाँ पर फैसिलिटी मिल काफी फैसिलिटी यहाँ मिल रहा है। ऐसे हालत में हमने कहा है जो भी टूरिस्ट यहाँ पर आना चाहेगा सुबह 10 बजे का 3 बजे तक आपका जो है कोई भी चेकिंग नहीं हुआ सीधे जा सकते हैं। 3 बजे भी हमने कहा है बैरियर लगाएंगे, पुलिस वाले खड़े होंगे, ताकि जो है शाम को मौसम खराब होता है, क्या कहते हैं सड़क जम जाता है, आइसिंग हो जाता है, उसमें जो है लोग जो है जो जिनके बुकिंग हुए वही लोग लाहौल आ पाएंगे, उनको ही आने देंगे। जब बर्फ पड़ती है ऐसे हालत हमने कहा है हम जो है द्वारा जो है 4x4 गाड़ी ही यहाँ पर अलाउ करेंगे, ताकि जो है और जो है इस बार हम जो है मैं यहाँ पर जो है सनो फेस्टिवल का आगाज़ फिर करेंगे। हम जो है अपना हमारा जो उदन आता है लोहड़ी आता है उसी से सनो फेस्टिवल का आगाज़ करेंगे और सनो फेस्टिवल मनाएंगे, ताकि लोग अधिक से अधिक आ सके। स्कीइंग यहाँ पर मनाने वाले हम लोग इंटरनेशनल स्कीइंग यहाँ कर इस बार आयोजन करने वाले हैं, और साथ यहाँ पर आपका लाहौल का जो है मशहूर जो है तीरंदाजी वो यहाँ पर शुरुआत करने वाले हैं। इस बार हम क्राफ्ट कंपटीशन करने वाले हैं जिसके भारत सरकार से 20 लाख एक्सटेंशन हो चुका है। इसी साल साथ में हमने जो है 20 लाख पर डांसिंग कंपटीशन के लिए 20 लाख एक्सटेंशन किया है, 10 लाख पेंटिंग के लिए 50 लाख उन्होंने लाहौल केंद्र सरकार से पैसे लेके आए हो, ताकि हम सोनो फेस्टिवल और टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए ये सारे कार्यक्रम हम यहाँ करना चाहते हैं। हिमाचल के सबसे बड़ी ऑटो डीलरशिप गोयल मोटर्स में नौकरी करने का सुनहरा अवसर, सोलन शिमला सिरमौर और किन्नौर में चाहिए सेल्स एग्जीक्यूटिव, सर्विस एग्जीक्यूटिव, फील्ड एग्जीक्यूटिव, मोटर मैकेनिक और ड्राइवर, शानदार करियर संभावनाएं व इंडस्ट्री में बेहतरीन सैलरी पैकेज, तो आज ही कॉल करें 9418035372 पर और ईमेल से भेजें अपना बायोडाटा HR@goyalmotor.com पर।